राधे राधे जय श्री कृष्ण। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो वैदिक ज्योतिष है वो अपने आप में बड़ी संपूर्ण है और हर एक आंसर हमें अपनी वैदिक ज्योतिष के थ्रू माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन है जो सबके मन में जागृत होता है, क्या मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं, तो मैंने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको स्वयं को जानने की आवश्यकता है। और जब आप स्वयं को जान जाएंगे तब आप ऑटोमेटिकली, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। सबसे पहले ये जान ले कि 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन हर एक नक्षत्र की एनर्जी किसी और नक्षत्र में छुपी हुई होती है। ये बड़ी रोचक बात है। इसका अर्थ ये है, आप जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, आपका जो एनर्जी का सोर्स है वो उस नक्षत्र में नहीं है, बल्कि एक ऐसे नक्षत्र में है जिसे आपको खोज करनी है और वहां से आप अपनी एनर्जी से जुड़ पाएंगे। जब तक आप अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन हैं। तो हमारी यात्रा तो सिर्फ यही है कि हमारी जो नाम है वही हमारी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम राकेश है, जो कि स्वयं मेरा नाम है, और कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो और मैं कहूं कि मैं राकेश हूं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो इसने अपनी पहचान बता दी। लेकिन नाम तो राकेश है, वो मेरी पहचान थोड़ी हो गई। नाम में पहचाना नहीं होता, उस नाम के अंदर क्या है। जैसे ये जो शरीर है वो पहचाना नहीं होता है, इस शरीर के अंदर क्या है वो तुम्हारी पहचान है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं, एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ है। आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, इसका भी आंसर आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्वयं प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है और इसमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा की जान एक तोते में बसती थी। अब आप ये सोचिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये सब पॉसिबल होता है। तो बार बार उस राजे को मारने का प्रयास किया गया, उस राजा को मारने का प्रयास किया गया, और फिर किसी गुप्तचर ने बताया कि इसकी जान इसके शरीर में नहीं है, बल्कि इसने अपनी जान को तोते में डाल के रखा है। तो जब आप तोते को पकड़ोगे तो अपने आप से ये अपने आप को आपके हवाले कर देगा। ये कहानी आपने भी बचपन में सुनी होगी। उसी तरह हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उसकी जो एनर्जी है वो किसी और नक्षत्र में छुपी हुई होती है, और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उस एनर्जी तक पहुंचे। अब वेरी सिंपल है, एक उदाहरण देता हूं। मैं कुछ नक्षत्रों के नाम ले रहा हूं और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे सिंह राशि में दो नक्षत्र आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये दो नक्षत्र आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन तो अगर आप धनु राशि में जाएंगे तो उसमें भी दो नक्षत्र आते हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब उससे भी आगे बढ़ेंगे आप तो दो नक्षत्र और आते हैं, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद। अब आप ये सोचिए, पूर्वा और उत्तरा का अर्थ क्या है। पूर्वा मीन्स द फर्स्ट पार्ट और उत्तरा मीन्स द सेकेंड पार्ट। ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। पूर्वा का जो सेकेंड पार्ट है वो उत्तरा है, और ऐसे 6 नक्षत्र हैं जो एस्ट्रोलॉजी में साक्षात विराजमान है। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा शाडा उत्तरा शाडा, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र हुए। अब हर एक नक्षत्र की जो एनर्जी है वो इंटर एक्सचेंज है, वो इंटरचेंज्ड है। अब दूसरी चीज जो बड़ी रोचक है, वो जान के आपको और भी मजा आएगा, कि हम सब जानते हैं जो श्री कृष्ण का नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन हम ये भी जानते हैं श्री राधे का राधे श्री कृष्ण राधे से प्रेम करते थे। तो राधे का जन्म नक्षत्र क्या है, राधे का जो नक्षत्र है जो कहा जाता है वो अनुराधा नक्षत्र है। अब बताइए कहाँ रोहिणी नक्षत्र हो, कहाँ अनुराधा नक्षत्र। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सिंपली ये बताना चाहता हूं कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, आपको पहले उससे कंपैटिबल उस नक्षत्र से जुड़ना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है।
जब हम शादी करते हैं तो एक रीति को फॉलो किया जाता है, उसमें कुंडली मिलान होता है। तो ये कुंडली मिलान क्या होता है, ये कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि भाई दो जो लोग हैं वो आपस में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और उसलिए उस कुंडली का मिलान होता है। लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूँ वो कुंडली मिलान से बड़ा भिन्न है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र की एनर्जी को आपको फाइंड आउट करना है, और जिस दिन आपने उस नक्षत्र की एनर्जी को फाइंड आउट कर दिया तो वही आपका ट्विन फ्लेम है, वही आपका ट्विन फ्लेम है। इसका अर्थ ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म किसी और नक्षत्र में हुआ होगा, और आपका जो प्रेम है या आपका जो प्रेमी है उसका जन्म भी किसी और नक्षत्र में हुआ होगा। अब ये दोनों नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी डिसाइड्स वेदर ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम, और ये बहुत सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब ये है कि ये जानना कि मेरे नक्षत्र की एनर्जी किस नक्षत्र में है, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एम्ब्रांस है तो सब मुमकिन है। तो मैं आज आपको एक क्लू देता हूँ, क्लू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने जो 8 नक्षत्र के नाम लिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। तो क्लू के तौर पर मैंने आपको ये 8 नक्षत्र दिए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा क्लू है रोहिणी नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र का है, जिसमें श्री कृष्ण और श्री राधे अवतरित हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में आए थे, अनुराधा नक्षत्र में श्री राधे आए थे, तो वो मिले कहाँ होंगे? द सेकेंड क्लू, वो बीच में मिले होंगे। इसका मतलब ये है कि जो रोहिणी नक्षत्र की एनर्जी है वो यहाँ पर है, और जो अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी है वो भी यहाँ पर है, और ये मीटिंग पॉइंट है। तो हर एक नक्षत्र का एक मीटिंग पॉइंट होता है, और वो जो मीटिंग पॉइंट होता है वही ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है, वही नक्षत्र आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है। हमेशा याद रखिए, जो ट्विन फ्लेम का सीक्रेट है वो ये है कि योर बर्थ नक्षत्र इज नॉट योर एनर्जी इज समवेयर एल्स। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।